बेतिया जिले की नरकटिया अनुमंडल क्षेत्र के त्रिवेणी कैनाल का बांध टूटने से बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अनुमंडल के करीब दर्जनों गांव के लोग दहशत में है। कईयों ने अपना सियाना को ऊंचे स्थान पर कर दिया है। वहीं इस बांध के टूटने से परसोतीपुर कुकरा चनपटिया सेंटर के साथ अन्य गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। बताया जाता है कि गंडक नदी की सहायक त्रिवेणी कैनाल का बांध कई जगहों पर टूट चुका है। सड़क पर 2 से 4 फीट पानी बह रही है। सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी भर गया है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। लोग सड़क के किनारे मिट्टी भराव कर रहे हैं ताकि पानी ज्यादा नुकसान न करे। लोग घरों से बाहर निकल गए, ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। लोग कुकरा पंचायत के पुरुषोत्तमपुर मनियारी विक्रमपुर के निवासी है। देखिए, हमेशा बाढ़ के कष्ट को हम लोग भुगतते रहते हैं। इस 2017 में भी हम लोगों का घर द्वार दह गया था। इसमें खाने के लिए बर्तन तक नहीं बचा हुआ था, वस्त्र तक नहीं था, अनाज तक नहीं था। इस साल भी बरसात का इतना कहर है। हमारे यहाँ मनियारी नदी का पानी उफान पर है और मनियारी नदी से त्रिवेणी नहर में गिर रहा है। अभी भी हम लोग खतरा से जूझ रहे हैं। प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि त्रिवेणी कैनाल जो दूसरे साइड का जो बैन है वो टूट गया हुआ है। जो लगभग 7-8 फीट पानी ओवरफ्लो है, जिसके कारण लगभग 60-70 फीट के करीब टूट चुका है और प्रेशर जो है पानी का बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण गांव के लोगों में काफ़ी खौफ और डर का माहौल है। जैसे कि 2017 में भी जो बाढ़ आया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और हम भी भुक्तभोगी हैं इसके। नौतनवा से मैं बिलोंग करता हूँ। कुकरा में भी टूटा हुआ है और अभी चनपटिया में टूटा हुआ है। परसोतीपुर में हम लोग खड़े हैं। अभी प्रशासन स्थानीय है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वक्त रहते हुए कुछ ऐसा इंतजाम करवाया जा सके जिससे जो है यहाँ के लोगों का ज्यादा माल जाल का नुकसान न हो सके। बांध टूटने से सड़क पर पानी आ गया है। कभी भी गांव के हजारों लोग जल कैदी बन सकते हैं। बांध टूटने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्कालीन व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की है। इटी भारत के लिए चंदन की रिपोर्ट, नरकटियागंज।